हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत। लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और स्पेशल जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है IDBI जूनियर असिस्टेंट मैनेजर रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। IDBI मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का बैंक है, जिसके अंदर जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आ चुकी है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड करूंगा। इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में तो बात करेंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स को भी डिस्कस करेंगे। साथ ही दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज मीट एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, एग्जाम पैटर्न सिलेबस को डिस्कस करेंगे, सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इनहैंड सैलरी क्या मिलती है, एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन को डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर आप इस वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। जैसे कि आपको शुरुआत में बताया, IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का काफी बड़ा बैंक है, जिसके अंदर जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आ चुकी है, जो कि एक 100% परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। इस पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 500 निकल के आई है। ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जोन वाइज, स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। देखिए दोस्तों, जिस भी जोन से आप फॉर्म अप्लाई करोगे उसी जोन में फाइनली आपकी पोस्टिंग रहने वाली है। तो यार ये चीज काफी बढ़िया है, आपको अपने होम स्टेट में ही जॉब लोकेशन देखने को मिल जाती है। बात कर लेते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। ऑनलाइन फॉर्म इसके ऑलरेडी आज से यानी कि 21 नवंबर 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 30 नवंबर 2024 रखी गई है। एग्जाम इसका दिसंबर जनवरी 2025 के अंदर कंडक्ट करा लिया जाएगा। मतलब दोस्तों फॉर्म अप्लाई करने के कुछ ही दिन बाद एग्जाम भी कंडक्ट कर लिया जाएगा, और फॉर्म अप्लाई करने के लिए काफी कम टाइम दिया जा रहा है, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसीजर इसका बहुत ही फास्ट चलेगा। तो अगर आप इलिजिबल होंगे फटाक से फॉर्म अप्लाई करके तैयारी में लग जाइए। बात कर लेते हैं दोस्तों एज मिट के बारे में। जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 20 साल है, मैक्सिमम 25 साल रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 1st October 2024 तक होगी। सीधा सीधा समझ लीजिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जरूरी है आपका जन्म 2nd October 1999 से लेकर 1st October 2004 के बीच में हुआ होना चाहिए, तो आप एलिजिबल है। ओबीसी एसटीएससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है। ओबीसी वालों को 3 साल का, एसटीएससी वालों को 5 साल का एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, जो कि बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो आप एलिजिबल है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों ने 60% मार्क्स के साथ, एसटीएससी पीएच वालों ने 55% मार्क्स के साथ, तो आप एलिजिबल है, बिंदास फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। फाइनली बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर दोगे, फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर दो ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, स्टेज सेकंड में एक पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है। तो चलिए स्टेज फर्स्ट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसके एग्जाम में आपको 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। पहला सब्जेक्ट आपका लॉजिकल रीजनिंग, डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन रहेगा। 60 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के अंदर। इन 60 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 40 मिनट आपके पास अलग से रहेंगे। दूसरा सब्जेक्ट वही आपका इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा। 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर, 20 मिनट का टाइम आपके पास रहेगा। तीसरा सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर, 35 मिनट आपके पास टाइम रहेगा। चौथा सब्जेक्ट जनरल इकोनॉमिक बैंकिंग अवेयरनेस कंप्यूटर आईटी से रिलेटेड होगा। 60 क्वेश्चन 60 नंबर के अंदर, 25 मिनट का टाइम आपके पास रहेगा। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का पेपर रहेगा। एग्जाम आपका बायलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में रहता है। एग्जाम में 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी रखी जाती है। एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाता है, बट उससे पहले एग्जाम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। इस एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां से आप पूरे सिलेबस को अच्छे से डाउनलोड करके देख सकते हैं कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है, तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, एग्जाम होने के बाद आपको पीआई मतलब पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जो कि 100 नंबर का रहेगा, जिसमें स्पेशली मेंटल एबिलिटी के ऊपर फोकस किया जाता है, आपके पर्सनल बायोडाटा के ऊपर फोकस किया जाता है, आपके इंटरेस्ट के ऊपर फोकस किया जाता है, और स्पेशली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है। यहां पर कोई भी जीडी मतलब ग्रुप डिस्कशन वगैरह नहीं होता, सिंपल सा पर्सनल इंटरव्यू आपका होता है, और इंटरव्यू आपका हिंदी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। आप क्वेश्चंस के आंसर हिंदी में भी दे सकते हैं, यह नहीं है कि कंपल्सरी यहां पर इंग्लिश लैंग्वेज में आपको आंसर्स देना होगा।
देखिए दोस्तों, इंटरव्यू को क्वालिफाई करने के लिए जनरल वालों को 50% मार्क्स लाने होंगे, मतलब 100 में से कम 50 नंबर। एसटी एसटी ओबीसी वालों को कम से कम 45% मार्क्स लाने होंगे। देखिए दोस्तों, इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद बारी आती है फाइनल सिलेक्शन की। फाइनल सिलेक्शन एग्जाम और इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पर होगा। 200 नंबर का आपका पेपर हो जाता है, 100 नंबर का आपका 100 नंबर का इंटरव्यू हो जाता है। दोनों मार्क्स को कंबाइन करके कैटेगरी वाइज, स्टेट वाइज, जोन वाइज एक फाइनल मेरिट बनती है, जिसके बेसिस पर आपको फाइनली सिलेक्शन दिया जाता है। एग्जाम के नाम पर केवल एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, कोई भी प्री मेंस एग्जाम का चक्कर यहां पर नहीं है। फाइनली बात करते हैं भैया सिलेक्शन होने के बाद सैलरी के बारे में भी जानकारी दे दो। तो देखिए दोस्तों, सैलरी आपको इसमें काफी ठीक ठाक मिल जाती है, लगभग 6.5 लाख रुपए का पर एनम इसका पैकेज होता है, मतलब लगभग 54,000 रुपए इनिशियल इनहैंड सैलरी आपकी यहां पर रहने वाली है। पूरी तरीके से सरकारी नौकरी है दोस्तों, परमानेंट जॉब है ये। IDBI एग्जीक्यूटिव की कॉन्ट्रैक्ट बेस होती है, उस पोस्ट से प्रमोट होकर आप आते हो जून असिस्टेंट मैनेजर की, जो कि एक परमानेंट जॉब है। तो एक 100% परमानेंट जॉब है। 54,000 शुरुआती सैलरी आपको इस पोस्ट के ऊपर मिलेगी पहले ही महीने से। एग्जाम सेंटर्स आपको ऑल ओवर इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएंगे, अपने होम स्टेट में आसपास के शहर में आपको एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा। जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करें तो एक तरीके से पूरी क्लरिकल पोस्ट है, ऑफिस सेक्शन की जॉब है। आपको हमेशा ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड काम करना पड़ेगा। जो असिस्टेंट मैनेजर होते है, आप उसको डायरेक्टली असिस्ट करते हो, ठीक है? असिस्टेंट मैनेजर के जूनियर आप होते हो, उसको आप डायरेक्टली रिपोर्ट करते हो IDBI ब्रांच के अंदर। तो काफी बढ़िया पोस्ट है। जॉब लोकेशन मैंने आपको बताई दी है, जिस भी स्टेट से, जिस भी जोन से आप फॉर्म भरोगे, उसी जोन के अंदर आपकी पोस्टिंग इसमें होने वाली है। नोटिफिकेशन में आप देख सकते हो कौन से IDBI जोन में कितने स्टेट आते हैं, कौन कौन से स्टेट आते हैं और आपके स्टेट में कितनी वैकेंसी है। तो आप इसी तरीके से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, आप दूसरे जोन से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात रही दोस्तों फॉर्म अप्लाई करने की, तो इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उसके थ्रू आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। साथ ही दोस्तों फॉर्म फीस के बारे में बताना मैं आपको भूल ही गया था, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1,050 रुपए फॉर्म फीस चार्ज की गई है, एससी एसटी पीएच वालों के लिए केवल 250 रुपए यहां पर फॉर्म फीस चार्ज की गई है। तो यार जबरदस्त गैप इन्होंने यहां पर कैटेगरी में रख दिया है, जो कि मुझे थोड़ी सा अनरीजनेबल लगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इस वैकेंसी से रिलेटेड। कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वरना सोनू हेलाथ के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी आपको मिल जाऊंगा। तो काफी यूनिक, काफी बढ़िया वैकेंसी है, हर साल IDBI इस वैकेंसी को जरूर निकालता है। तो अगर आप एलिजिबल है फॉर्म जरूर अप्लाई कर दीजिएगा। जितने भी यहाँ पर रेलवे NTPC के एस्पिरेंट हैं, उनको पता होना चाहिए रेलवे सामान्य अध्ययन की ये टॉप ट्रेंडिंग बुक फिर से फ्लिपकार्ट अमेजोन के ऊपर अवेलेबल हो चुकी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर NTPC के एग्जाम में जनरल अवेयरनेस को फोड़ना है तो भाई इस बुक से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को फटाफट चेकआउट करिए। तो चलिए यार, इस वीडियो में इतना ही था, पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।